अस्सलाम वालेकुम भैया, सैफुल्लाह इस्लाम स्टेट और ड्रीमनेक्स के चैनल से। कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत सारी डिस्कशन हो रही है प्राइस को लेके कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन पर स्क्वायर फिट क्या है। इनफैक्ट जिस पेस से डॉलर के रेट चल रहे हैं, जिस पेस से इन्फ्लेशन चल रही है, जिस तरह इंस्टेबिलिटी है पोलिटिकली, तो कोई भी प्राइस इस स्टेज पर जिसे कहते हैं फिक्स करना वो मुश्किल है, क्योंकि चेंजेस बहुत पेस से हो रही हैं। बहरहाल फिर भी इस स्टेज पर कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, विलाज भी बन रहे हैं, लोग विलाज बनवा भी रहे हैं, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो रहे हैं, तो डेफिनेटली किसी न किसी एक फिगर के ऊपर हमें जाके रुकना है और कोई ना कोई फिगर एक जिसे कहते हैं कि मार्केट की करंट फिगर को कोट करना है। बहरहाल आज से अगर मैं 4 महीने पहले की बात करूँ, फरवरी की बात करूँ, मार्च की बात करूँ, तो तब हमारा जो पर स्क्वायर फीट प्राइस वो 4000 प्लस माइनस पर स्क्वायर फीट आ रही थी, जो बहरिया टाउन में जिस स्टैंडर्ड की कंस्ट्रक्शन हो रही है, बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन भी नहीं है और लो स्टैंडर्ड भी नहीं है, इसे को वैसे हम लोग ए प्लस कैटेगरी बोलते हैं, लेकिन बाहर आने की अच्छी रीजनेबल कंस्ट्रक्शन 4000 रुपीज़ प्लस माइनस पर स्क्वायर फीट की प्राइस जा रही थी। उस टाइम पर जो सबसे ज़्यादा फैक्टर था जो इम्प्लीमेंट हो रहा था वो स्टील की प्राइस बढ़ रही थी। स्टील की प्राइस भी अच्छी खासी बढ़ी, लेकिन अब जो टाइम चल रहा है इसमें स्टील के साथ बाकी जितने बिल्डिंग मटेरियल्स हैं सभी की प्राइस बढ़ी। एक मार्केट ट्रेंड होता है, पेट्रोल बढ़ता है ना, सपोज जैसे पीछे जंप है, वो आइटम जिनका पेट्रोल से कोई लेना देना नहीं, इधर पेट्रोल की प्राइस बढ़ी, साथ ही वेंडर ने हमें ये कह दिया कि कितनी प्राइस बढ़ गई। हमने पूछा भाई रीज़न क्या है, देखो जी महंगाई हो गई। इसी तरह ये जो डिवेल्यूएशन है हमारी करेंसी की, जो ही करेंसी की डिवेल्यूएशन होती है, वो चीज़ें जो लोकल मेड है, जिनका करेंसी से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं, कुछ नहीं, वो फॉरेन प्राइस बढ़ा देते हैं। तो बेसिकली ये ट्रेंड चल रहा है और कोई जिसे कहते हैं कि सच स्टैंडर्ड नहीं बन पा रहा, कोई स्टेबिलिटी नहीं, बेसिकली ये सारी अनस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से प्राइस है। बहरहाल आज अगर मैं बात करूँ तो जो कंस्ट्रक्शन कास्ट बनती है आज के रेट पर या इस वक्त जो सारे सिनेरियो चल रहे हैं, तो वो 5500 पर स्क्वायर फीट से अबव है, इससे कम नहीं है। लेकिन अलमिया ये है कि अभी भी मार्केट में इससे कम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं और बहुत सारी डिस्कशन भी हो रही है और बहुत सारी रेट्स भी कोट हो रहे हैं। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है अपने सारे उन बिल्डर्स से और मेरे उन दोस्तों से जो अपना विला बनवाना चाह रहे हैं बहरिया टाउन के अंदर या कहीं भी, रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज़ इस सारे सिनेरियो को स्टडी करें, मार्केट को स्टडी करें, एक्चुअल प्राइस कितनी है। मैंने 5500 प्लस कहा, हो सकता है आप कैलकुलेशन करें तो वो 5500 से थोड़ी सी कम ही हो, लेकिन बाहर इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। मैंने कंस्ट्रक्शन पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन उन वीडियोस में मेजर वीडियो मेरी इसी चीज़ पे रही हैं कि जो मार्केट में रेट कोट्स होते हैं, आज से पहले भी एक चीज़ थी, जो रेट्स कोट होते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है। अब वो रेट क्यों प्रैक्टिकल रेट से हट के कोट होते हैं वो एक अलग डिबेट है, लेकिन बहरहाल ये पहले भी मतलब ऐसे साल दो साल पहले भी अगर बात करूँ तो ऐसे ही होता था कि जो रेट जिसके ऊपर ओरिजिनल कॉस्ट बनती है उससे हट के रेट अक्सर कोट हो जाते। तब भी मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में अपने कस्टमर को स्पेशल एक्टिवेट किया था, उनको बताया था कि ये रेट जो कोट हो रहे हैं ये बेसिकली एक्चुअल रेट से कहीं डेविएट करते हैं। तो आज फिर मैं वही उसी वीडियो के तसलसल में ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे रेट जो वैसे तो रेट कोई भी कोट करना मुश्किल है, लेकिन बाहर किसी एक दिन को हम लॉक करते हैं, किसी एक डेट को, किसी एक प्राइस को लॉक करते हैं, तो वो 5500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट बनता है, इससे प्लस ही बनता है। अगर इससे नीचे कोई रेट है या इसके अलावा कोई और फैक्टर है, तो आप प्लीज़ इसको रिकन्सिडर करें, इस मार्केट को स्टडी करें, ताकि फ्यूचर में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। आज से साल दो साल पहले जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, जब हम यही वीडियोस बना रहे थे, जो मार्केट रेट से हट के कोई रेट कोटेड हो रही थी या उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे थे, उन सब के रिजल्ट्स हमारे दोस्तों ने 6-8 महीने पहले देख लिए। और अब मेरी यही कोशिश है कि और फर्दर हमारे कोई दोस्त किसी और रेट पे जो प्रैक्टिकल नहीं है उसके ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट करें और फ्यूचर में उसका सामना ना करें, क्योंकि अभी जो मुश्किल होगी वो कम है और विला स्टार्ट होने के बाद या कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो मुश्किल है वो ज़्यादा मुश्किल है। इंशाल्लाह फर्दर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।